Android. Check. Android. Check. Logos. नेदा और आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड टेक लवर्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं लॉकडाउन के ऊपर बात करूंगी। लॉकडाउन प्रो ऐप जी फ्रेंड्स, मैंने सोचा इतना लॉकडाउन हर जगह चल रहा है, तो हम लोग भी कोई ऐसी ऐप ले आए जो इसी के रिलेटेड हो। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि हम लोग अपनी व्हाट्सएप पे, अपने गैलरी पे या अपने जो फाइल मैनेजर है उस पे हम लोग लॉक लगाना चाहते हैं, तो कोई एक एक्सेसिबल ऐप लॉक होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ऐप लाई हूँ आज आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त एक्सेसिबल ऐप है, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की जानिब। वो हमें प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, चलते हैं देखते हैं हमें प्ले स्टोर पे क्या मिलता है। क्योंकि ये ऐप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी, तो ये मैं इसे ओपन कर देती हूँ। इजी टू यूज, ओके, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिले हैं दो, क्लासिक और पैटर्न। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैटर्न यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेसिबिलिटी के साथ उनको इशू होता है, इसलिए यहाँ पर क्लासिक का भी ऑप्शन है, तो मैं क्लासिक को ही डबल टैप करके यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देती हूँ। क्लासिक यहाँ पर मैंने डबल टैप कर दिया है, अब मैं यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड सेट करती हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने 4 डिजिट्स का जो है पासवर्ड सेट कर दिया, मैं देखती हूँ मुझे क्या ऑप्शन मिलता है। रीटाइप पासवर्ड, मतलब फिर से इसे कंफर्म करने के लिए रीटाइप पासवर्ड, मैं पासवर्ड को रीटाइप करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड किया, पासवर्ड फिर से लिखा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है ऐप का। एंटर योर ईमेल, अच्छा ये ईमेल जो है वो मुझे अपना पासवर्ड रीसेट करने में मेरी हेल्प करेगी, वो इस सेंस में कि जब हम लोग अपना मोबाइल जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, तो यूजुअली ऐप्स में ये हमें ऑप्शन मिलता है कि हम लोग जो है अपना ईमेल सेट कर सकते हैं ताकि पासवर्ड की रिकवरी हो सके। योर ईमेल, ओके, क्योंकि मुझे मेरा पासवर्ड याद है इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी ईमेल सेट नहीं कर रही, अगर आप लोग चाहें अपना कोई भी ईमेल सेट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिला है कि लॉकडाउन प्रो को जो है वो फाइंड करके उसे अनेबल करना है, तो मैं उसे अनेबल कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इस लॉकडाउन प्रो को जो है वो अनेबल किया, तो मेरे पास एक परमिशन आ गई, मैं देखती हूँ क्या परमिशन है। ओके, इस परमिशन को मैं अलाउ कर देती हूँ। लॉकडाउन प्रो, अब मैं देखती हूँ इसका इंटरफेस मुझे क्या मिलता है। ऐप लॉक, सर्च, यहाँ पर हम लोग कोई भी ऐप को सर्च करके उसका जो पासवर्ड सेट है हम लोग
उस ऐप को अनलॉक भी कर सकते हैं और अगर कोई ऐप पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ उसे लॉक भी कर सकते हैं। थीम्स, हम लोग यहाँ से थीम्स चेंज कर सकते हैं। ओके, 38 ऐप्स जो हैं और अभी तक पासवर्ड जीरो है, किसी भी ऐप पे लगा हुआ नहीं है। ऑन सिस्टम ओके, यहाँ पर डायरेक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। हमारा जो डायलर पैड होता है और हमारे कॉन्टैक्ट्स, ये बेसिक जो है ऐप्स उनका दिखा रहे हैं, तो मैं इस पर डबल टैप कर देती हूँ और इसको फिर लॉक लगा देती हूँ। ओके, ये हो गया। ये चेक है। Google Play Store जहाँ से हम लोग ऐप्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं, तो ये मैं Google Play Store पे भी डबल टैप कर देती हूँ और इसे लॉक कर देती हूँ। अब इस ऐप पे भी मेरा लॉक लग जाएगा जब मैं इसे ओपन करूँगी। ओके, ये एक बहुत मेन चीज़ है कि कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे ऐप्स पे हम लोग हमारी मर्ज़ी से ही कोई इंस्टॉल करें हमारे मोबाइल में कोई ऐप, और हमारी ही मर्ज़ी से कोई ऐप जो हो वो अनइंस्टॉल हो। तो यहाँ पर जब हम लोग इसे चेक कर देंगे तो उसके बाद कोई भी हमारा मोबाइल बगैर हमारी मर्ज़ी के कोई भी ऐप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। ओके, मैं इसमें भी डबल टैप कर देती हूँ। अच्छा, अब इसमें मुझे जो एक सबसे मेन ज़बरदस्त चीज़ लगी है वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐप है, फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप है हमारे मोबाइल में, वो मैं भी यूज़ कर रही हूँ और मेरे घर में कोई और भी यूज़ कर, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जो है अब व्हाट्सएप का तो पासवर्ड चले किसी और को पता चल गया, मैं चाह रही हूँ जो मैं गैलरी है मेरी वो मेरी सेव रहे और किसी और को उसका पासवर्ड पता ना चले, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इस ऐप में हमारे पास उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि हम लोग जो है हमारी गैलरी के ऊपर अलग, व्हाट्सएप पे अलग और हर ऐप पे अलग अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो वो मैं तरीका बता देती हूँ। यहाँ पर जहाँ ब्लैंक है, जहाँ कुछ हमारा एलिफेंट कुछ कह नहीं रहा, वहाँ पर मैं डबल टैप करूँगी। एड मोर पासवर्ड, यहाँ पर जब मैं डबल टैप करूँगी तो पासवर्ड दूसरा मैं यहाँ पर सेट कर सकती हूँ, तो मैं इसे डबल टैप करती हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला है कि मैं ओके करूँगी, तो यहाँ पर मैं नया पासवर्ड सेट कर सकती हूँ डायलर स्लैश कॉन्टैक्ट के लिए। ओके बटन पर मैं डबल टैप कर देती हूँ। ओके, वहाँ पर मैंने सारी ऐप्स के लिए जो रखा था वो 2099 था और यहाँ पर जो मैंने रखा है वो 2077 था। ओके, रीटाइप पासवर्ड, अब मैं यहाँ पर फिर से इसके ओके, यहाँ पर ये पासवर्ड सेट हो गया है। ये तो फ्रेंड्स कुछ थी कि हम लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेटिंग्स हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। लॉकडाउन प्रो में मैं डबल टैप करूंगी, मेन्यू खुल जाएगा, उसके बाद में देखती हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इमेज हेल्प, अपग्रेड नाउ, पासवर्ड, मैं देखती हूँ मुझे पासवर्ड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। रीलॉग ऐप, इमीडिएटली, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप किस किस सिचुएशन में आपका जो लॉक है वो लग जाए ऐप्स पे, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। After screen off, 10 minutes or 30 minutes. ओके, यहाँ पर मैं बैक करती हूँ।
यहाँ पर मैं इसे इमीडिएटली ही रहने दूंगी, उसके बाद में देखते हैं मुझे क्या ऑप्शन मिलता है। पासवर्ड मोड, जैसे कि मैं पहले बताया कि मैं यहाँ पर पैट्रन, बहुत सारे लोगों को दुश्वारी होती है पैट्रन में, इसलिए मैंने क्लासिक रखा है। कैलकुलेटर, ओके, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर और फिंगरप्रिंट भी रख सकते हैं, और इसका फिंगरप्रिंट भी काफ़ी एक्सेसिबल है। चेंज पासवर्ड, यहाँ पर से हम लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड लेवल फोर नंबर्स, यहाँ पर हम लोग इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास जो है कि लिमिट है वो 6 लेटर्स तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। रैंडम कीबोर्ड, टच वाइब्रेट, यहाँ से जब हम लोग पासवर्ड को टाइप करेंगे तो हमारे पास वाइब्रेशन होगी, वो हम लोग चेक बॉक्स लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। रिकवरी पासवर्ड, ये हमारे तब जरूरत होगी जब हम लोग पासवर्ड भूल जाएंगे। ईमेल नॉट सेट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैंने ईमेल सेट नहीं किया, मैं बैक करती हूँ और देखती हूँ हमें फर्दर क्या ऑप्शन मिलते हैं इसमें। स्मार्ट लॉक, ओके, सेटिंग्स में मैं देखती हूँ मुझे क्या मिलता है। जनरल, ओके, यहाँ पर एक बहुत मेन बात मैं बताना जरूरी समझती हूँ, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल करना पड़ता है जब हम लोग डिवाइस एंड्रॉइड 8 के बाद यूज़ कर रहे हो। एंड्रॉइड 9, एंड्रॉइड 10 में जो है उसे डिसेबल करना पड़ता है हमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर्स को, अदरवाइज हमारी कोई भी एप्स जो है वो इजीली कोई भी अनइंस्टॉल कर सकता है। नॉट चेक स्विच, ओके, यहाँ पर हम लोग जो लॉकडाउन का आइकन है उसे हम लोग हाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इन्होंने अपना एक वेब जो इसका इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी इसका लिंक दिया हुआ है। लैंग्वेज डिफॉल्ट, हम लोग कोई और भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने इसे सिस्टम लैंग्वेज पे ही रहने दिया है। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ एड्स हैं क्योंकि ये प्रो वर्जन है और इसे परचेज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश कि हम लोग आप लोगों को ये बता सकें कि आप किसी भी अपनी ऐप पे अपना पासवर्ड किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह ऐप ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हम लोग मज़ीद इसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसके लिए आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।